अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमें सोलिंग मिली है डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बखर के MNA हैं। ठीक है, नहायत ही अदबुल एहतराम शख्सियत हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ब्रिक्स से हमारा जो सोलिंग तैयार किया जा रहा है ईंटों से, मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा सोलिंग है और ये किस तरीके से ये बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं, ये हमारा 17 फीट का जो रास्ता है, जो कि पहले कच्चा था। ये जो आबादी है, ये फलकाबाद, नाजराना लियाकताबाद और सदीकाबाद, ये तीन आबादियाँ जो हैं ये साथ साथ मिलती हैं। ये रास्ता उनके लिए फ़ायदा मंद है और हम ये डॉक्टर साहब के नहायत ही शुक्रगुजार हैं। उसके साथ उसके भांजे डॉक्टर सुहेल पांडाणला साहब जो हैं, उनके भी नहायत ही शुक्रगुजार हैं। उन्होंने 2 दिन पहले यहाँ पे विज़िट किया है और हमें जो है मज़ीद जो मुश्किलात सामने आ रही थी रास्ते की, 600 फुट की जो कमी पेशी थी, वो उन्होंने हमारी पूरी कर दी है, हमारे साथ वादा किया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये ईंटों का जो ये ब्रिक्स का जो सोलिंग है ये कैसे तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखते हैं, ये लहरिया सोलिंग है। ये जैसे ट्रैक्टर का टायर होता है उसी तरह से ये तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये लहरिया सोलिंग है और ये तैयार कर रहे हैं। नहायत ही अच्छी माशाल्लाह इस्तेमाल हो रही है, जो गलत होती है ये भाई जो है वो बाहर निकाल देते हैं। और देखें, बहुत ही नहायत ही अच्छी ईंट है, जहाँ कोने बिल्कुल बराबर हैं। दोस्तों, हम साथ साथ मलिक गफ्फार मक्कल और मलिक नज़र हुसैन ढोल के भी नहायत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके रेफरेंस से हमें ये सोलिंग जो है मिला है। तो चलें दोस्तों, उम्मीद करते हैं आगे भी जो हमारी मुश्किलात हैं माशा अल्लाह उन्होंने हल करने का वादा किया है। तो ये सिर्फ फलकाबाद या लियाकताबाद या सदीकाबाद किया जा रहा, बल्कि हमारी यूनियन में और भी काफ़ी जगहों पे इस तरह के सोलिंग जो हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। इनका इफ्तिताह भी होना है, वो डॉक्टर साहब खुद आएंगे और इंशाल्लाह करेंगे। अब खान डालना जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के MNA हैं। ठीक है, अब मैं इस वक्त यूनियन दौलत वाला में हूँ। ठीक है, इस यूनियन में काफ़ी सारे और भी काम हो चुके हैं। पहले PC स्लेब का बजट था, वो PC स्लेब जो होती है वो सिर्फ गलियों में होती है। ये ऐसे यहाँ पे लोडिंग के लिए जो ट्राली वगैरह ये इस तरह के भारी जो है यहाँ से गुजरती है, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। ये जो ईंटों का ब्रेक है, क्योंकि ये टूटती नहीं है, वो जो PC स्लेब जो कंक्रीट से बनी हुई है वो टूट जाती है। ठीक है, ये नहीं टूटता। चौक में खड़ा हूँ, ये तीनों आबादियों का चौक है। यहाँ पे इस साइड पे सदीकाबाद है और मेरे साथ ही पीछे ये राना लियाकताबाद है, और मेरे राइट साइड पे ये मैं आपको घूम के दिखाता हूँ, ये फलकाबाद है। ये जो रास्ता जा रहा है ये फलकाबाद है। तो यहाँ पे ईंटों का सोलिंग जो है ये 500 फीट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, लियाकताबाद की जो है 217 फीट ये मुकम्मल हो चुका है। और ये चौक है, ये इन्होंने खुला करके लगाना है, इसको अभी तक खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये काम मुकम्मल करके बाद में तसल्ली से इस चौक को, ये जो मोड़ है ये देखें, ये सारा मोड़ है, इसको बाद में तसल्ली से लगाएंगे। ठीक है, और ये सदीकाबाद की तरफ जो सड़क जा रही है, जो सोलिंग है, ये तकरीबन 400 फीट अभी मुकम्मल हो चुका है। आगे इसी तरह मुश्किलात आ रही थी रास्ते की, तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर सुहेल पांडाणला साहब ने हमारे साथ वादा किया है 600 फीट मज़ीद आपको आगे दे, तो अभी इसी काम के साथ आगे शुरू हो गए। जो सोलिंग है ये इसलिए नहीं टूटता, क्योंकि इसमें हर एक ईंट के बाद खला होता है। अगर एक एक ईंट के ऊपर वजन आता है तो थोड़ा सा साथ दूसरी पे भी आ जाता है। ये सकती है लेकिन टूट नहीं सकती। स्लेब वाली जो होती है वो लोडिंग वाली जो पेशे में बांधती है, उसके ऊपर वजन, भारी वजन आता है तो वो टूट जाती है। ये नहीं टूटती। अभी इसके ऊपर जो है वो जो रेत है इसके ऊपर डालेंगे,
सफ़ेद दाल की ये तकरीबन क्लियर हो जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता जब खुश होती जाएगी इसमें खुद ब खुद सकती जाएगी, ये जो खुला आपको नज़र आ रहे हैं ये बंद होते जाएंगे। तकरीबन 4 बजे का टाइम है तो काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर देखें पसीना पसीना हुए हुए हैं, ये इतनी गर्मी में अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। यहाँ पे जो ठेकेदार हैं राणा अब्दुल फ़त्ताह साहब और उसके भाई जो फील्ड में होते हैं राणा इमरान, उनसे भी नहायत शुक्रगुजार हैं कि वो मतलब अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। तो उसका है वो अब राणा अब्दुल फ़त्ताह और इसके भाई राणा इमरान के पास है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है, मजदूर बड़े मेहनत और जिंदगी के साथ काम कर रहे हैं। तो देखते हैं, हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह हमारा ये काम है इंशाल्लाह चलता चलता इख्तिताम को पहुंचेगा। फिर इसके बाद ये साथ इसकी जो साइड है दोनों साइडों पे 3 फीट का बरम लगेगा, ये 10 फीट का सोलिंग है, 10 फीट का गोला, एक हम गोला भी बोलते हैं। और ये साथ इसका 3 फुट का बरम लगेगा, 3 फुट के साथ इसके साथ मिट्टी लगाएंगे दोनों साइडों पे। तो ये मिट्टी से लगाएंगे कि जब बारिश होती है या कोई ट्रैक्टर होता है ये सोलिंग जो है इस साइड पे नीचे गिर ना जाए, अगर ये गिर गया तो ये फिर ज़ाया हो जाता है। इसको गिरने से बचाने के लिए इसके साथ मिट्टी लगाना ज़रूरी होती है। तो मैं अपने इस व्लॉग के एंड पे फिर से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बक्सर के एम एन ए और उनके भांजे डॉक्टर सुहेल खान ढांडला जो कि डॉक्टर अफजल खान ढांडला की तरफ से इधर हमारी सोलिंग से 2 दिन पहले उन्होंने आके विज़िट किया है। उन्होंने हमारे साथ वादा किया है, एक और वादा किया है जो कि बिजली हमारी इस जो आबादी सामने नज़र आ रही है इसमें यहाँ पर ना बिजली का मसला है। यहाँ पर 4 पोल हमें जो कि ज़रूरत है वो उन्होंने वादा किया है कि वो भी हम इसी 3-4 माह में या थोड़ा सा ज़्यादा अरसा में जो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो भी दे देंगे। तो मैं फिर से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके साथ साथ मलिक नज़र बोल और अब्दुल गफ़ार मक्कल जो कि हमारे यूनियन दौलत वाला के काउंसलर के मेम्बर हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर तआवुन किया है। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल, अल्लाह हाफिज़।